भजियां बेचने से करोड़ों की कंपनी तक का सफर। धीरू भाई अंबानी एक ऐसा नाम जिसने सपने देखे और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह अपने सपनों को पूरा करते हैं। धीरू भाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कारोबार के तरीकों को बदल दिया। किसे पता था कि एक भजिया बेचने वाला शख्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो जाएगा। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरू भाई अंबानी की सफलता की कहानी लाए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी शुरुआती दिनों में एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी करते थे और बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मकाम हासिल किया कि 62,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। अपने दौर के कारोबारियों में धीरू भाई अंबानी सबसे बड़े खिलाड़ी थे जो लाइसेंस राज जैसे समय में भी अपना काम निकाल पाते थे। धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो उनके पास कुछ नहीं था। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरू भाई अंबानी साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए। यहाँ धीरू भाई अंबानी को अब्बासी यार्ड कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रतिमाह की नौकरी मिल गई। कंपनी ने धीरू भाई के काम को देखते हुए उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। कुछ साल नौकरी करने के बाद धीरू भाई साल 1954 में भारत आ गए। धीरू भाई अंबानी अपनी समझदारी की वजह से बाजार के बारे में काफी जानकारी रखने लगे थे। धीरू भाई को ये समझ में आ गया था कि भारत में पॉलिएस्टर की मांग सबसे ज्यादा है और विदेशों में भारतीय मसालों की। उन्होंने एक कंपनी रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन की शुरुआत की जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिएस्टर भारत में बेचने की शुरुआत कर दी। धीरू भाई ने साल 1966 में गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मिल की शुरुआत की जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल्स रखा। ये उनकी जिंदगी का सबसे निर्णायक मोड़ था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। धीरू भाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहाँ कर्मियों को चाय सिर्फ 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय 1 रुपए की थी। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मुंबई के मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से दफ्तर में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई। यहीं से रिलायंस इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ। इस बिजनेस में धीरू भाई अंबानी का लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का निर्माण और उनकी बेहतर क्वालिटी पर था। साल 1966 में धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी को जोखिम लेना काफी पसंद था। धीरू भाई अंबानी किसी प्रोडक्ट का स्टॉक कर मुनाफा बढ़ाने के बारे में सोचते थे। साल 1977 में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस का नाम कई बार बदला। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में 3 बार धीरू भाई अंबानी ने अपने कारोबार का नाम बदल दिया। तो ये थी दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में शामिल धीरू भाई अंबानी की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कमेंट करना ना भूलें। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।